एक बार एक गांव में संतोष अपनी माँ सरला, बीवी सरिता और बेटे राहुल के साथ रहा करता था। लेकिन संतोष की माँ सरला संतोष की बीवी सरिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि सरिता एक बहुत गरीब परिवार से थी और शादी में दहेज भी नहीं लेकर आई थी। वास्तव में सरला संतोष की शादी कविता से करना चाहती थी, क्योंकि कविता के पिताजी के पास बहुत पैसा था और कविता के पिताजी ने सरला को शादी में बहुत सारा दहेज देने का भी वादा किया था। और फिर एक दिन सरला कविता के पास जाती है और कहती है, ये संतोष ने तो सरिता से शादी कर ली, तो कुछ कहती क्यों नहीं है? मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? पहले तो आपने संतोष की शादी खुद उस सरिता से करा दी, अब हम कुछ नहीं कर सकते। सोचकर बता क्या कर सकते हैं। मैं अभी तेरी शादी संतोष से कराने को तैयार हूँ। आप उस सरिता को जान से मार दीजिए और फिर मैं संतोष से शादी कर लूंगी और बहुत सारा दहेज भी लेकर आऊंगी। कविता की बात सुनकर संतोष की माँ बहुत खुश हो जाती है। एक दिन जब सरिता घर में अकेली होती है तो संतोष की माँ और कविता मिलकर उसे जान से मार देते हैं और उसकी लाश को घर में ही जला देते हैं। और उसके बाद संतोष की माँ पूरे गांव में ये बात फैला देती है कि सरिता खाना बनाते वक्त घर में अकेली थी और घर में आग लगने से उसकी मौत हो गई। उसके बाद संतोष और राहुल को सरिता की मौत का बहुत बड़ा सदमा लगता है और राहुल हमेशा अकेला अकेला रहने लगता है और अपने कमरे में पूरा टाइम अकेले बैठा रहता है। राहुल राहुल बेटा चल, खाना तैयार है, खाना खा ले। ऐसे कब तक चुपचाप रहेगा? मुझे माँ चाहिए, मुझे माँ के हाथ का ही खाना खाना है। बेटा तू चिंता मत कर, तुझे माँ का प्यार जरूर मिलेगा। संतोष और राहुल की बात को सरला सुन लेती है और संतोष से कविता और उसकी शादी की बात करती है और कुछ दिनों में ही सरला और संतोष की शादी करा देती है। शादी के बाद कविता संतोष के सामने तो राहुल को बहुत प्यार करती, लेकिन संतोष के ना होने पर राहुल को बहुत परेशान करती थी। लेकिन राहुल भी डर की वजह से संतोष को कुछ नहीं बताता है। फिर एक दिन संतोष किसी काम की वजह से गांव से बाहर जाता है और सरला भी अपनी बहन के यहाँ कुछ दिन के लिए चली जाती है। माँ मुझे खाना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे अभी नींद आ रही है, मैं खाना बाद में देती हूँ। लेकिन माँ मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। राहुल की बात सुनकर कविता को बहुत गुस्सा आ जाता है और गुस्से में कविता राहुल को बुरी तरह पीटने लगती है कि तभी वहाँ एक चुड़ैल आती है और कविता को अपनी शक्तियों से उठा उठाकर पटकने लगती है। कविता की हालत बुरी हो जाती है। अरे राहुल, तूने देखा ये सब जो यहाँ हुआ? अभी मुझे तो कुछ भी पता नहीं चला कि कौन था। नहीं माँ, मैंने भी किसी को नहीं देखा। राहुल की बात सुनकर कविता को गुस्सा आ जाता है और इस सब का इल्जाम राहुल पर लगाने लगती है और राहुल को फिर से पीटने लगती है कि तभी चुड़ैल वापस आती है और कविता को फिर से पटकने लगती है। अभी तुझे सबक सिखाया था ना, लेकिन तेरी समझ में नहीं आया। अगर आज के बाद राहुल को हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तेरी जान ले लूंगी, समझी? चुड़ैल की आवाज सुनकर कविता डर जाती है और राहुल के साथ बड़े प्यार से पेश आने लगती है। और कुछ दिन बाद संतोष की माँ घर वापस आ जाती है। संतोष की माँ को देखकर कविता बहुत खुश होती है और मन ही मन सोचती है, मैं तो इसके साथ कुछ ना कर सकी, लेकिन अब देखती हूँ इसे इनसे कौन बचाएगा। राहुल चल इधर आकर मेरे पैर दबा, मुझे बहुत थकान हो रही है। दादी मैं अपने स्कूल का काम कर रहा हूँ, अभी कुछ देर में दबाता हूँ आपके पैर। राहुल की बात पर सरला को गुस्सा आ जाता है और सरला राहुल को बुरी तरह मारती है कि तभी वहां चुड़ैल आती है और सरला को उठा उठाकर पटकने लगती है। कविता ये सब देख रही होती है और चुड़ैल के जाने के बाद सरला को बताती है। जो आपके साथ हुआ ऐसा ही कुछ दिन पहले मेरे साथ भी हुआ था। तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये किसी बुरी शक्ति ने किया है, हमें इसका समाधान निकालना पड़ेगा। मैं बहुत डर गई थी और उसने मुझे धमकी भी दी थी कि अगर मैंने किसी को बताया तो वो मुझे जान से मार देगी। ठीक है, कल हम दोनों एक तांत्रिक बाबा के पास चलेंगे। और अगली सुबह सरला और कविता एक बाबा के पास जाते हैं और बाबा को सारी बात बताते हैं। ये किसी और का नहीं बल्कि तेरी मरी हुई बहू का साया है,
और तेरी बहू की जान राहुल में बसती है। अगर तुम दोनों मिलकर राहुल को मार दो तो वो चुड़ैल खुद ही मर जाएगी। बाबा की बात मानकर सरला और कविता घर आ जाते हैं और राहुल को मारने लगते हैं कि तभी संतोष भी काम से वापस आ जाता है और राहुल को बचाता है और तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देखकर सभी लोग डर जाते हैं। जैसे मुझे मार डाला तुम दोनों ने, अब उसी तरह मेरे बेटे को भी मार देना चाहते हो। चुड़ैल की बात सुनकर संतोष अपनी माँ और पत्नी कविता से उस चुड़ैल की बात का मतलब पूछता है और सरला संतोष को सारी बात बता देती है। तुम दोनों ने मिलकर मेरी पत्नी को मार दिया और अब मेरे बेटे को भी मार देना चाहती हो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। और यह कहकर संतोष अपने बेटे राहुल को लेकर शहर चला जाता है।